हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल कोचिंग क्लासेस। जर्नल अवेयरनेस की आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। कल आपको पूछा था कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। कईयों ने कहा कि नेगेटिव में करेक्ट हुए हैं, ऐसा क्यों? इतने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेगेटिव में तो आंसर नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन है आपका इम्प्रूव होना चाहिए, स्कोर जो है 45 से पार जाना चाहिए, 45+, ये टारगेट रहना चाहिए। ऐसे क्यों नेगेटिव कैसे कह सकते हैं आप? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अब यहाँ पे, कितने दिनों से जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, होपफुली उनकी तो है जो ये पूरा इम्प्रूव हो चुका होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो अभी उसको सेटल आउट कर देंगे। हीट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ग्लास जो है, आपने देखा होगा हीट रेजिस्टेंट ग्लास जो होते हैं, किस तरह के ग्लास होते हैं, ओके। और प्लीज कॉपी पेन साथ में रखिएगा ताकि जो क्वेश्चंस हैं आप इवैल्यूएट अपने आप को कर सके, कितने क्वेश्चंस जो हैं आप सही कर पा रहे हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा ग्लास जो है हीट रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो ये कौन सा ग्लास है आपका? फ्लिंट ग्लास, ओके। सो आंसर इज फ्लिंट ग्लास, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लिंट ग्लास इसका करेक्ट आंसर है। मेरे यहां मैं जब तक क्वेश्चन बोलती हूँ प्लीज आंसर एक बार देख लीजिएगा, खुद कोशिश कीजिएगा कि ए बी सी डी जो भी आंसर है वो आप दे सके, इसकी पूरी कोशिश कीजिएगा, ओके। 10 ही सही होते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए ढंग से अटेम्प्ट करने की, उसको कोशिश कीजिए, क्लियर होंगे, ठीक है। एक होता है ऑल क्लियर हो जाना, ऑल क्लियर नहीं करना आपको, इसको ठीक रखना है, ऑल क्लियर नहीं करना, सब कुछ ब्रेन के अंदर ही रखना है। इसमें से आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ढंग से इनको मिलाना है, कौन सी जो है किसके द्वारा दी गई, डू और डाई। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? ये आपकी स्टेटमेंट महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, दिल्ली चलो। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई है, जय जवान जय किसान। ये किसके द्वारा दी गई है? लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपका आपको करेक्टली मैच स्टेटमेंट बतानी थी, आप देख सकते हैं तीन स्टेटमेंट गलत दी है। तो जय जवान जय किसान ये नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन भी तो डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए डू और डाई जो है मैं लिख देती हूँ, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। अगला जो है दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। फिर है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्टेटमेंट आपकी दी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। सारे जो ऑप्शन हैं आपके डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल अच्छे मूड से आज पढ़ाई करेंगे। और बिल्कुल ये मत सोचा करो कि 5 बजे से चल रहा है तो कैसे होगा। देखिए पढ़ाना मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, ये आपको बताना है। लगभग 1 अरब बाइट्स है, क्या? किलो बाइट, बिट, गीगा बाइट, मेगा बाइट, ये आपको बताना है। तो कितना है 1 बिलियन बाइट? कौन सा है? 1 गीगाबाइट। जो गीगाबाइट होता है वो 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। आंसर है सी। जो सलाइवा होता है, लार आती है, वो हमारा क्या माउथ में ही पचा देता है, प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स या फिर विटामिन। आपको पता है जब हम खाने को मुंह में लेते हैं वहीं से जो है डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपको बताना है क्या चीज़ जो है वो मुंह में ही हम डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं इन चारों में से। बताइए कौन सा होता है? वो होता है स्टार्च। स्टार्च सबसे पहले डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। न्यू सीरीज देखो, क्वेश्चन जो है आपके लिए डेली नए इवैल्यूएट करके लाए जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, ब्रोंज आइकन, जो नटराज की ब्रोंज आइकन है चोला पीरियड की, वो आपको बतानी है। किस डाइटी जो हाथ है वो आपको बताने हैं, कितने हाथ जो इनवेरिएबली उसमें दिखाए जाते हैं, कितने हाथ दिखाए जाते हैं आप देख सकते हैं उस मूर्ति के रूप में, 4 हाथ दिखाए जाते हैं, 4 हैंड वाली मूर्ति है शिव जी की, ठीक है। इस तरह से नटराज की जो है मूर्ति है चोला पीरियड का, ये बहुत एक रिमार्केबल पीस है उस टाइम पीरियड का, ओके। डांसिंग शिवा इसमें दिखाए गए हैं ताकि वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि लॉर्ड जो ब्रह्मा है वो क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके, तो ये डांस उसमें दिखाया गया है।
रामकृष्ण मिशन 1897 में जो स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। वेस्ट बंगाल वाली साइड जो है बहुत इनको पूजा भी जाता है, रामकृष्ण परमहंस को, है ना। तो जगह जगह लोगों की शॉप्स में इनकी जो है तस्वीर जो है पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है रामकृष्ण मिशन 1897 में ये किसके द्वारा शुरुआत की गई, ताकि जो मानवीय राहत और सामाजिक कार्य हैं इनके लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। बिल्कुल ठीक आंसर क्या है इसका, रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। एक्चुअली क्या है, रामकृष्ण मूवमेंट जो स्टार्ट हुई उसका मेन बात है वेदांता, वेदांता मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत इन्होंने वेदांत जो वेद हैं इनको रिवाइवल करने का, इसमें बहुत जो हिंदू फिलॉसफी है वेदांता अद्वैता और जो फोर योगिक आइडल्स हैं ज्ञान भक्ति कर्म राज योग, ये सभी के ऊपर इन्होंने फोकस दिया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो हैं एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस के जो हैं सबसे मुख्य शिष्य भी रहे हैं, तो उसके कारण भी ये बहुत उस टाइम पीरियड से अपने आप को इंस्पायर्ड फील करते थे, प्रेरित महसूस करते थे। आंसर है स्वामी विवेकानंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल द्वारा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो आपको बतानी है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एनिमल सेल्स बड़े होते हैं। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होता है, एनिमल्स में नहीं होता। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो हर तरह से समान होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा जो है इसका सही आंसर है। बताइए, थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, सोच लीजिए आंसर, बताइए कौन सा जो है इसका करेक्ट है, ट्रू ट्रू स्टेटमेंट आपको इसमें से बतानी है। तो देखो, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल्स में नहीं होता, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें ट्रू स्टेटमेंट इसमें मार्क करनी थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्लांट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है बहुत बड़ा सा, प्लांट सेल की सेल वॉल भी इसमें होती है, जो कि आपके एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। बाकी रफली सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसके अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है। सेल वॉल नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल इतना बड़ा नहीं होता। हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है, उसमें नहीं होता, बिल्कुल ठीक। केप कैनवेरल ये आपको बताना है, ये साइट जो है ये यहाँ से स्पेस शटल्स जो लॉन्च किए जाते हैं ये किसके तट पर मौजूद है, किसके तट पर जो है ये स्थित है। तो कहाँ पे है ये, कौन से कोस्ट पे है, फ्लोरिडा के, वर्जीनिया के, नॉर्थ कैरोलिना या फिर साउथ कैरोलिना, तो ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। हाँ जी, कल की क्लास यूग लेना फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है कल की क्लास, बिल्कुल सही है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना तो क्या है, कई स्टूडेंट्स होते हैं अगली क्लास पढ़ ली पिछली क्लास भूल गए, तो वो जो कंसेप्ट है वो ज्यादा आगे तक नहीं चल सकता। हाँ जी, अब मूड अच्छा है, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो केप कैनवेरल आपको ये बताना है ये कहाँ पर स्थित है। मैप में भी इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ये आपका फ्लोरिडा में सिचुएटेड है, ठीक है। मैप में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये आपका फ्लोरिडा के पास, ये आपका केप कैनवेरल आपका यहाँ पे ये स्पेस शटल का प्रोग्राम जो है स्थित है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के मेंबर कंट्रीज के नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। आपको बहुत बार सार्क के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है, सार्क कंट्रीज बताइए कौन कौन सी हैं, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, मॉरिशस, बताइए कौन सा जो है सार्क कंट्री का पार्ट नहीं है इन दिए गए ऑप्शंस में से। सो राइट आंसर इज मॉरिशस, वेरी ऑब्वियस। कौन से हैं, आठ कंट्रीज हैं इसके अंतर्गत सार्क में शामिल, कौन कौन सी कंट्रीज हैं बताइए। यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगी, अल्फाबेटिकली सारे नाम जो है यहाँ पे दिए गए हैं, अफगानिस्तान सबसे लेटेस्ट, देन भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, आठ कंट्रीज जो हैं सार्क के मेंबर हैं। हाइलाइटेड आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, आपका इंडिया है इसमें, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और आपका श्रीलंका, ठीक है, और मालदीव्स। तो सारे आप ये अच्छे से इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है सार्क में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसका नाम आपको बताना है, बोल्ट, आरबीआई सेट, आरबीआई नेट, आरबीआई डॉट। तो वो कौन सा होता है, वो है आरबीआई नेट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आरबीआई नेट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो नेटवर्क किया जाता है, यानी कि जितना भी आपका डॉस यूनिक्स मशीन्स डेवलप करते हैं, फॉर्मेटिंग की जाती हैं, बैंक नेट होता है, ये सभी जो है जितने भी आपके सेवरल जो डिपार्टमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो इसके अंतर्गत की जाती हैं। अपभ्रंश ये जो शब्द है मेडिवल टाइम पीरियड में संस्कृत टेक्स्ट में ये क्या दर्शाता था वो आपको बताना है, किसका निरूपित ये रूप दर्शाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, हाँ जी, आज भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, दोपहर में 1 बजे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। क्या आज की न्यूज देखी है सबने, वो इंपॉर्टेंट कवरेज 3 मिनट में? हाँ बताइए, क्या किसी ने देखा न्यूज आज का? यहाँ पे देखिए, अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल जो है मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट में क्या डिनोट करता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो क्या है ये अपभ्रंश, ये क्या दर्शाता है? कई कह रहे हैं 11th आंसर इज बी, नहीं, ये क्या है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में से कुछ जो प्रारंभिक रूप थे वो अपभ्रंश को डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आंसर इज सी। हमारी जो भारतीय जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं आप उनकी उपलब्धि के बारे में, हाँ जी मिशन शक्ति, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, चलो किसी ने तो न्यूज़ आज देखी। ठीक है, तो टाइम निकाल के आज शाम की न्यूज़ जो है ज़रूर देखना, और होपफुली DNA में भी रात को ये जो है दिखाया जाए पूरा मिशन शक्ति का कवरेज, बिल्कुल ठीक, तो रात को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल करंट अफेयर की क्लास नहीं चल रही है, GK की क्लास है, तो GK की क्लास पर फोकस करेंगे। पावर टू इंक्रीज जजेस को जो बढ़ाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के तहत, ये जो पावर है किसके साथ है? देखिए, कल हमने देखा था मोस्टली जो पावर्स है प्रेसिडेंट के साथ होती हैं, लेकिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट को जो बढ़ाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये पावर किसके साथ होती है? पार्लियामेंट के साथ होती है। यानी पार्लियामेंट जो है वो जजेस को बढ़ा भी सकता है, जजेस की नंबर को घटा भी सकता है। ठीक है, तो ये सारी पावर्स संसद के साथ होती हैं। जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये जो होता है ये आपको बताना है, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कब अटेन किया जा सकता है, जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये कब ऑब्टेन किया जा सकता है? हर हफ्ते, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में शून्य हो, या फिर जब वो हर सप्ताह गिर रहा हो, या फिर कभी बढ़ता घटता रहे तब जीरो इन्फ्लेशन अटेन किया जा सकता है, या फिर हर हफ्ते वो स्थिर रहे। तो बताइए कब जो है जीरो इन्फ्लेशन ऑब्टेन किया जा सके? तो जीरो इन्फ्लेशन कब लिया जा सकता है? जब वो इन्फ्लेशन रेट जो है कभी बढ़ता रहे कभी घटता रहे तब आप जीरो इन्फ्लेशन रेट ऑब्टेन कर सकते हैं। पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वॉज, तो आपको बताना है कम्युनिज्म का पायनियर यानी प्रेरक कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, कौन है जो आपके प्रेरक रहे हैं कम्युनिज्म के, तो कौन है वो? ये बहुत बड़े इंडियन रेवोल्यूशनरी रहे हैं, बहुत रेडिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी रहे हैं, ठीक है, 20वीं सदी के बहुत नोटेड फिलोसोफर रहे हैं। इनका नाम क्या है बताइए? मानवेंद्रनाथ रॉय, तो ये इनका नाम है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो है बहुत डेलीगेट रहे हैं कांग्रेस के, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और रशिया से जो चाइना को एड मिला उसमें भी इनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी ये फाउंडर रहे हैं। हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, अल्जीरिया, कुवैत सिटी, वियना, तेहरान, तो कहाँ पे सिचुएटेड है? वियना में सिचुएटेड है। ओपेक के बारे में ये हम ऑलरेडी ओपेक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब जो है हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछे गए हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की जाती है हमारी कोशिश ये रहती है हेडक्वार्टर्स जो हैं आपको साथ साथ उसमें दिखाए जाए, ठीक है। इमेज नहीं आता, देखो इमेज दिखाने का ये पर्पज नहीं है कि किस वजह से दे रहे हैं, इमेज दिखाने से क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चन ज्यादा समय तक के लिए याद रह जाएगा। अगर आप सिंपली क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं ना, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन भूलना शुरू कर देंगे।
इमेज दिखाने का मेन मोटो ये होता है कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे, क्वेश्चन ज्यादा समय तक आपके ब्रेन में फिट हो जाए, ठीक है। वरना आने को तो बहुत सारी बुक्स हैं, जीके की बहुत सारी बुक्स जो हैं ऐसे 10-10 रुपए में भी मार्केट में मिल रही है, जिसको आप उठाए और पढ़ ले। लेकिन आप यकीन मानिएगा, आप 5 दिन लगातार पढ़ के देखिए, 6वें दिन आप पढ़ नहीं पाएंगे बुक्स को लगातार रूटीन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, डेली आप शाम को 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले इतने दिनों से कर रहे हैं, आपको महसूस भी नहीं होगा कि 50 क्वेश्चन कब आपके जहन में बैठ चुके होंगे, ठीक है। ये पावर है पिनाकल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हेडक्वार्टर क्या है, वियना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको कब क्रिएट किया गया था, बगदाद में इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस है कब हुआ था, 1960 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तब जो इसके मेंबर्स बने थे वो कौन कौन से थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, तब ये इसके पार्टनर्स थे, ठीक है। पेट्रोलियम के फेयर और स्टेबल प्राइसेस को रखने के लिए ये जो है लागू किया गया था। वियना की लोकेशन देख लेते हैं, ऑस्ट्रिया में ये सिचुएटेड है, ये आपका वियना है, ठीक है। हेडक्वार्टर अब जो है ओपेक के हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। पहले जो हेडक्वार्टर थे ये कहाँ थे, जेनेवा, ठीक है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब उसके बाद जो है, पहले 5 साल तक के लिए ये यहाँ पे हेडक्वार्टर रहे थे, उसके बाद जो हेडक्वार्टर है वो वियना में शिफ्ट कर दिए थे। तो यानी 1960 में हमने कहा इसकी फॉर्मेशन हुई, जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में थे, उसके बाद 1965 में हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग आयरन ओर्स द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट इज फाउंड इन। अब मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी की आप 6th क्लास की बुक उठा लीजिए, उसमें आपको ये ओर्स का बहुत अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ आयरन इनमें से किस में पाया जाता है, कौन सी ओर में पाया जाता है, तो वो है आपका मैग्नेटाइट, Fe3O4, मैग्नेटाइट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। फेरिक मैग्नेटिक, ओके, 72.4%, 72.4% इसमें आयरन पाया जाता है। हेमिटाइट, हेमिटाइट में कितना है, 69.9%। अब है आपका लेमोनाइट, लेमोनाइट में कितना है, 59.8। कोई छूट गया बताइए, एक छूटा है, सिडराइट, सिडराइट में कितना है, 48.2%। तो ये है आयरन ओर्स के अलग अलग ओर्स, बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है आपका मैग्नेटाइट। इंडियन फ्लैग बियरर इन लंदन ओलंपिक्स 2012, ये आपको बताना है कि कौन जो है लंदन ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर रहे, कौन रहे। इसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो सुशील कुमार जो है इसमें फ्लैग बियरर रहे, आप देख सकते हैं। क्यों फ्लैग बियरर इनको उस समय में बनाया गया, सबसे पहली बात ये फ्री स्टाइल रेसलर है, ये आपको पता होना चाहिए। 66 kg वेट डिवीजन में इन्होंने उस समय पार्ट लिया था। 2010 में इन्होंने वर्ल्ड टाइटल लिया, सिल्वर मेडल लिया 2012 में लंदन ओलंपिक्स में, फिर ब्रोंज मेडल भी इन्होंने 2008 में भी लिया था, इसीलिए बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए थे 2008 के, उसके बाद जो है इनको फ्लैग बियरर बनाया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये है हेग में, ठीक है। हेग कहाँ है, नीदरलैंड्स में। लोकेशन जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, किसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और क्या बोला जाता है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कोर्ट बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन का ये एक जुडिशियल ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये हमने जो इमेज अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इमेज मैं आपको आई गेस सेकेंड थर्ड टाइम ये आपको दिखा रही हूँ, क्यों बार बार ये दिखाई जा रही है। यहाँ पे आपको जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसीलिए प्लीज एक बार अच्छे से ये सारे हेडक्वार्टर्स पे नजर जरूर डाल लें, ठीक है। सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप लेके रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शीट, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना, पेपर में आपके बहुत काम आने वाली है। मिग इंजन्स, ये आपको बताने हैं कहाँ पे असेंबल किए जाते हैं, कोरापुट,
नासिक, बैंगलोर या फिर ओजर, तो आपको बताना है कहाँ पे जो है इनको एस्टैब्लिश किया जाता है, असेंबल इनको कहाँ किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पे मिग इंजन्स को असेंबल किया जाता है ये देखिए बताइए, ऑप्शन दीजिए, चारों में से कौन सा जो है सही आंसर है, ये कोरापुट में जो है इनको असेंबल किया जाता है। इंजन जो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है, डिफेंस एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके द्वारा यहाँ पे कोरापुट में असेंबल किए जाते हैं, ठीक है। मिग है, सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, ये सभी जो है यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ इसकी लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरापुट ये जगह है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, यहाँ पे इनको असेंबलिंग की जाती है। गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज इन द ईयर, गोवा जो है किस वर्ष में पोर्तुगीज द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किस वर्ष में इस पे किया गया था, तो 1510 में जो है इस पे कैप्चर किया था। अच्छा 1498 में कौन आया था इंडिया, किसने जो है डिस्कवरी की थी, नाम आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे पोर्तुगीज जो आए 1510 में, जो इनके जो गवर्नर थे वो कौन थे, अल्फोंसे, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये गवर्नर जब आए थे तब गोवा में ये बात रखी गई थी कि इनको जो है सिर्फ हॉर्मुज, ओके, और साथ साथ गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ जो मलक्का, ये जो स्टेट्स हैं ये इनको कैप्चर करने थे, लेकिन इन्होंने गोवा को भी कैप्चर कर लिया था। हाँ जी, वास्को डिगामा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किसके द्वारा दिया गया था, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकोले, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, तो किसके द्वारा जो है इंग्लिश का इंट्रोडक्शन जो है करवाया गया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, कौन सा एक्ट था, 1835 का ये एक्ट था, लेजिस्लेटिव एक्ट था, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसको लागू करवाया गया था, ताकि जो फंड थे रीएलोकेट उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है करवाए थे, एजुकेशन और लिटरेचर को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। देख सकते हैं आप इनकी तस्वीर, ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा इमेजेस जो है आपको साथ साथ क्यों दिखाई जा रही है, इसलिए दिखाई जा रही है क्वेश्चंस जो है अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में जो है सेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर्ड अप, अब स्टॉक मार्केट तो आप सभी को पता है कि किस तरह से चलती है, तो पहला वो जो आपको बता रहे हैं भारत के साथ व्यापार करने वाला संयुक्त स्टॉक कंपनी कौन कौन सी थी, कौन सी थी इनमें से जो सबसे पहली थी, और मैं आपको बता दूं वो 1602 की बात है। आप देख सकते हैं स्टॉक कंपनीज का जो निवेश है वो कितना पुराना है, तो ये जो है ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहली, वर्ल्ड की फर्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक मार्केट, ठीक है, कहां पे, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में फर्स्ट वर्ल्ड स्टॉक मार्केट जो है 20 मार्च 1602 में स्टार्ट की गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इन्वेस्टर्स ताकि कमोडिटीज को लेके स्पेकुलेट करें, उनपे उनके जो बाय करें ट्रेडिंग कंपनी के लिए, तो ये जो है डच के द्वारा स्टार्ट किया गया, और उसी दौरान जो है इंडिया के साथ इनका व्यापार भी शुरू किया गया था। मोनोकल्चर इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर यानी एक ही जो है, मोनो मीन्स अ सिंगल, तो सिंगल कल्चर आपको बताना है टिपिकल किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो आपको ये बताना है इसमें ये जो मोनोकल्चर है ये टिपिकली किस चीज का जो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो किस चीज का है ये, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ऐसा होता है ना जब भी आपको कोई कमर्शियल क्रॉप ग्रो करनी है, आप थोड़ी थोड़ी कई क्रॉप्स उगाने की बजाय एक ही क्रॉप जो है बड़े पैमाने पे करते हैं, जैसे चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, इवन आपके फ्लावर्स की खेती होती है, तो इस तरह से आपका कमर्शियल फार्मिंग होता है, पर यहाँ पे ग्रेन फार्मिंग है तो इसलिए ग्रेन्स पर ही ध्यान रखना, मैंने जस्ट ये आपको मोनोकल्चर में एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, फ्लावर को ग्रेन फार्मिंग में इंक्लूड मत कर देना। विच कंट्री इज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2014, फीफा वर्ल्ड कप का विनर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है, तो कौन सा है वो है जर्मनी, जर्मनी जीता था, किसको,
ब्राजील जो है ब्राजील को हरा के ये इवेंट जीता था, ठीक है, फोर्थ पोजीशन में। होस्ट कंट्री कौन थी? होस्ट कंट्री थी ब्राजील, फोर्थ, वो किसका उस पे रहा लेवल पे, फोर्थ पोजीशन पे। कोई बात नहीं, अगर सही नहीं आ रहा है इसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका हिट होना शुरू होगा, धीरे धीरे जो है आपकी जीके इंप्रूव हो जाएगी। बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस इज, बैंक जो है किस तरीके से जो है अपने नुकसान को बचा सकता है। आपको पता है एनपीए, नॉन जो आपके जो बैंक से जो है किस तरह से घाटे में जाते हैं और वो किस तरह से उनको रिकवर करने के लिए बहुत सारी जो बजट में स्कीम्स लाई जाती हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है बैंक जो है किस तरीके से अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, ताकि जो भगोड़े होते हैं वो बैंक के पैसे का मिस यूज ना कर सके। तो क्या होता है, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को उधार दे जिन पर जो है बैंक जानता हो, कैसे हमेशा संभव होता है क्या इस तरह से? तो जो वो लोग हैं जो पहली बार बैंक में लोन लेने आ रहे हैं वो तो कभी लोन ही नहीं ले पाएंगे। दूसरा देखिए, मान लीजिए जो कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है, आपको मान लीजिए 2 करोड़ का लोन लेना है, बदले में आप अपने 250 गज को कोलेटरल के रूप में रख दीजिए, तो ये होता है कोलेटरल वैल्यू रखना, ठीक है। तो तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन दे, लॉन्ग टर्म लोन ही ना दे। लॉन्ग टर्म लोन नहीं देंगे तो जो बड़े व्यापार हैं वो कैसे फूलेंगे फलेंगे। फिर बात आती है बैंक्स ओल्ड कस्टमर को ही उधार दें, ये भी संभव नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि नए बिजनेस स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करना होता है तो नए बिजनेस कस्टमर्स को भी जो है जो लोन देना पड़ जाता है। तो इसलिए बैंक जो लोन जब देती है तो किस तरह से अपना जो नुकसान है उसको बचा सकती है, जब वो एक्सेप्ट करे साउंड कोलेटरल, यानी वो जितना लोन दे रही है उसके बदले में जो गिरवी चीज रखी जाती है वो मजबूत हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सी लेयर जो है वो मदद करती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, ओजोनोस्फियर। तो आपको बतानी है कौन सी लेयर जो है आपकी रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है, कौन सी लेयर है? ये है आपकी आयनोस्फियर। आयनोस्फियर में कौन सी लेयर जो है शामिल की जाती है आपकी? मेसोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। यहाँ पे आप इसको मैप पे अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपका रीजन है आयनोस्फियर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, फिर है आपका जितने भी आपके एटमोस्फेरिक कंडीशंस बनती है वो आपके ट्रोपोस्फियर में बनती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में जो आपके जेट वगैरह उठते हैं, ओजोन लेयर होती है, वो सब आपका स्ट्रेटोस्फियर में ही है। मेसोस्फियर के ऊपर जो आपका थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर की जो लेयर है वो आपकी आयनोस्फियर में आती है। यहीं पे जितने भी आपके रेडियो वेव्स के फिनोमिना है वो इस लेयर में होते हैं, ठीक है। सो आयनोस्फियर क्या है, यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन की जाती है, जितने भी सिग्नल्स जाते हैं उनको रिसीव करना है, ट्रांसमिशन रिसीवन वो आयनोस्फियर में संभव होती है। पास्चराइजेशन बाय द फ्लैश, व्हाट यू मीन बाय फ्लैश, फ्लैश क्या होता है? तो फ्लैश से जो पैस्चराइजेशन की जाती है, आपने देखा होगा जो पैकेटों में दूध मिलता है, ठीक है, अमूल का होता है और किसी भी कंपनी का जो दूध आप खरीदते हैं उसको किस तापमान पे हीट किया जाता है। देखिए, अगर नॉर्मल पैस्चराइजेशन के बारे में मैंने आपको एक दो बार पहले पढ़ा दिया है, पैस्चराइजेशन जो सिंपली की जाती है उसमें 63 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, फिर तुरंत उसको ठंडा किया जाता है। अब आप कहेंगे मैम इसमें 63 डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत है। अब शब्दों को फिर से ध्यान से देखिए, फ्लैश यहाँ पे शब्द दिया है, फ्लैश का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ फ्लैश में, इम्पल्स में कब होती है? जब वो चुटकियों में होती है, तो वो है 15 सेकेंड। जब दूध को आप 15 सेकेंड में गर्म करना चाहते हो तो उसका क्या मतलब है, दूध को 73 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करके ठंडा करते हो वो आपका पैस्चराइजेशन होता है बाय दी फ्लैश। ओके, आंसर इज डी। यहाँ आप देख सकते हैं दूध इस तरह से पाइपों में जाता है, यहाँ पे उसको ठंडा गर्म करते हैं, फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं और आपका बाहर जो है पैस्चराइज्ड मिल्क आ जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अब आपको और जल्दी दूध जो है गर्म करके ठंडा करना है तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड को और कम कर दीजिए, टाइम पीरियड को कम कर दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए और जल्दी दूध जो है उबल जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि दूध के जो बैक्टीरिया है उसको मार सके और दूध जो है ज़्यादा देर तक के लिए टिका रह सके, उसमें जो है स्पॉयलेज जो है वो कम हो सके, ठीक
ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना, हीट करना, कूल करना, ये सबको पता है कि पैस्चराइजेशन में पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, लेकिन क्या टेम्परेचर है वो साथ में रखना जो है ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। हु हैज ऑथर्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये सीधे दिल से, ये बुक आपको बतानी है। इसके लेखक का नाम अमृता प्रीतम, राजमोहन गांधी, कपिल देव, आर के करंजिया। तो आपको बताना है कौन जो है सीधा दिल से इस बुक के ऑथर का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बताइए बुक का ऑथर। आंसर इज कपिल देव। कपिल देव द्वारा ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उनके जीवन पर आधारित ये बुक है। लिख देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी। ओके। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन जो है ड्राफ्टिंग कमिटी की कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम आपको बताना है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो देखिए बताइए कौन है अध्यक्ष, संविधान की ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष। आंसर इज बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एस्टैब्लिश कब की गई थी, अगस्त 29, 1947। ठीक है, उसके बाद इस कमेटी के अंतर्गत बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, टी पी खेतान, तो बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उस समय मौजूद थे। ठीक है, चेयरमैन कौन थे उस समय, उसमें बी आर अम्बेडकर। ये हैं सारे मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, सारे मेंबर्स एक बार देख लीजिए नजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, आनंद मठ जो है इस पुस्तक को किस वर्ष में लिखा गया, 1858, 1892, 1882। तो किस वर्ष में जो है इस पुस्तक को लिखा गया, इसको लिखा गया 1882 में। ये एक बंगाली फिक्शन है, इसको 1882 में लिखा गया। देखिए एक अगर बात बेसिक से की जाए 19th 20th सेंचुरी की, जितने भी आप ज्यादातर लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स की बात करेंगे, जितने भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स की बात करेंगे, जो भी जो इंडिया को जो है रिवाइव करने की बात करेंगे, ये सभी जो है इसकी भूमि का मेजर पार्ट जो है वो बंगाल था। ठीक है, आपका जो है कंपोजिशंस जो भी हुई वो सारी जो चीजें हैं वहाँ का जो गढ़ है वो बंगाल से ही सारी चीजें लगभग आई हैं। ठीक है, थीके? तो आपकी देशभक्ति जो जगाई गई वो भी आपका बंगाल से शुरू हुआ है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बंगाली ये फिक्शन है, लिखा कब गया है ये आप देख सकते हैं, और इसके लिए फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ये स्टोरी है, ये आप देख सकते हैं आनंद मठ। वो कॉमेट आपको यहाँ पे बताना है जो 76 ईयर्स के बाद नजर आता है और लास्ट हमें 1986 में नजर आया था। तो ये कौन सा कॉमेट है, ये है हेलेस कॉमेट। हाँ जी, रूट है बंगाल। सो हेलेस कॉमेट जो है लगभग 76 ईयर्स बाद आता है, इसलिए कहा जाता है कि एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में हर इंसान जो है अगर उसने अपने पैदा होने के 1-2 साल के अंदर अगर हेलेस कॉमेट देखा है तो हो सकता है कि वो जीवन में दूसरी बार भी हेलेस कॉमेट देख सके। ठीक है, ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए कॉमेट जो है रेगुलरली इतने सालों बाद अर्थ को विजिट करता रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कॉमेट है हेलेस कॉमेट, इसका नाम है। डाटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन, नेशनल इनकम एस्टिमेशन का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो किसके द्वारा, ये संग्रह जो है किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है ये किसके द्वारा ये किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो आंसर इज सी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा? पनामा का आपको बॉर्डर बताना है किसके साथ जो है नहीं बनता, डज नॉट बॉर्डर है क्वेश्चन जो है, बहुत ध्यान से देखना। पेपर में गलती जो है अक्सर इसी तरीके से होती है, जो छोटे छोटे शब्द है ना, जब ये आप बाईपास हो जाते हैं ना ये शब्द, तभी जो है मिस्टेक शुरू होती है। तो पनामा, पनामा पेपर लीक से मत सोचना अभी, यहाँ पे बस आपको यही बताना है कि किसके साथ इसका बॉर्डर बनता है। अब वही बात आती है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का मैप आपको बहुत बार दिखाया है, तो आपको पनामा की लोकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैप में आपको अभी दिखाया जाएगा, कोस्टा रिका के साथ इसकी लोकेशन जो है बॉर्डर लगता है, पैसिफिक ओशन के साथ लगता है, कोलंबिया के साथ लगता है, वेनेजुएला, वेनेजुएला के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता। चलो मैप में देखते हैं, ये है आपका पनामा, ठीक है, ये आपका पनामा है, आप देख सकते हैं वेनेजुएला आसपास इसके बॉर्डर में नहीं लगता, ठीक है। तो एक पनामा का जो बॉर्डर है कोस्टा रिका के साथ लगता है, पैसिफिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, कोलंबिया का बॉर्डर इसके साथ लगता है, ठीक है। अगर कैरेबियन सी भी दिया होता ऑप्शन में, तो कैरेबियन सी भी इसका जो है बॉर्डर आप दिखा सकते थे कि हाँ लगता है, लेकिन वेनेजुएला के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डज नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, नॉट अमंग दीज, वो क्वेश्चन जो है अक्सर गलत हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है ऊपर, ये आपका साउथ अमेरिका है नीचे, और आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका कोलंबिया है, ये आपका पनामा है, कोस्टा रिका है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस के साथ बॉर्डर लग रहा है। इसीलिए जब भी मैं मैप आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मैं आसपास की जो जगह हैं वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने तो आपका वहाँ पे बनाना नहीं है। सारा मैप जब रिवाइज होता रहेगा, क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाए, जब आपको मैप पता है ना तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें जो है ब्रेन में सेट होती हैं, ओके। यहाँ पे देखिए, आपको चार ये दिए गए हैं, जो फॉलोइंग ये ऑप्शन आपको दिए हैं, यहाँ पे जगह आपको दिए हैं, इनको मैच करना है। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज जो है इसकी ये कहाँ पे है रूट्स, बंगाल में। सो ए का है पहला, टू, दूसरा देखिए वेद समाज, बॉम्बे मद्रास नॉर्थ इंडिया, तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ब्रह्मो समाज जो है बंगाल, ठीक है, वेद समाज जो है ये आपका मद्रास, आंसर इज ये आपका, यहाँ यहीं पर मैंशन कर देती हूँ, ये आपका टू, ये है आपका थ्री, आर्य समाज, आर्य समाज कहाँ है नॉर्थ इंडिया, ये है आपका फोर, फिर है आपका प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कहाँ है, ये है बॉम्बे में, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चीज़ को, पहले ब्रह्मो समाज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे जो हैं। ब्रह्मो समाज जो है ये आपका जो ब्रह्मिज्म है, इसको प्रमोट करने के लिए मोनो एस्थेटिक यानी वन गॉड के लिए, बंगाल रेनिसा के लिए इसको बहुत जो है फेमस माना जाता है। वेद समाज जो है ये मद्रास में जब शुरू हुआ, ये 1864 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, केशव चंद्र सेन द्वारा। आर्य समाज, आर्य समाज जो है नॉर्थ इंडिया में, इसको जो है 1875 में इसकी शुरुआत हुई हिंदुइज्म में, रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में ये आया, ताकि री एस्टैब्लिश किया जा सके वेदाज को, इसका मेन जो पर्पस था हिंदू स्क्रिप्चर्स को दोबारा से रिवाइव करने में इसमें बात की गई है, ठीक है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी भी इसको बोलते हैं, ये बॉम्बे के आसपास के एरिया में जो है फॉर्म हुआ, आत्माराम द्वारा 1867 में इसकी जो है शुरुआत की गई, वन गॉड में ये बिलीव करते थे, ठीक है। हाँ जी, टिक नहीं करवाया ना, ए बी सी डी में से मार्क नहीं करवाया कौन सा है, तो कौन सा जो है डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये कहाँ से आरंभ होती हैं, इग्नियस रॉक से, सेडिमेंट्री से, इग्नियस सेडिमेंट्री दोनों से, या दोनों में से किसी में से भी नहीं, तो किससे जो है ये ओरिजिनेट होती हैं, ये दोनों इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक्स से स्टार्ट होती हैं। या आप देख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसी होती हैं, ये जो है एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर और हीट के अंदर जो है डेवलप होती हैं। एपिसेंटर, ये शब्द आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है, अर्थक्वेक बोल्ड फॉल्टिंग अर्थ इंटीरियर, तो एपिसेंटर कहाँ से जुड़ा होता है, अर्थक्वेक से जुड़ा होता है, ठीक है। एपिसेंटर क्या होता है, जो सिस्मोलॉजी में ये टर्म जो है दी जाती है, इसके अंतर्गत जहां से जो एक्सप्लोजन है अंडरग्राउंड, जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फोकस पॉइंट है,
फिर फॉल्ट कहाँ आता है, क्रैक जहां से ओरिजिनेट होता है, फिर एपिसेंटर बिल्कुल उसके ऊपर की जो जमीनी सतह है जहां पे अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जाते हैं, रिक्टर स्केल पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपका एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, किस वर्ष जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाई गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन आपको बतानी है किस वर्ष में की गई थी, तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है सेटलमेंट की गई थी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसकी स्थापना जो है 1616 में की गई थी। ओके, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड जो है ये किस चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बर्फीला तूफान। ठीक है, आपने ये शब्द जो है सुना भी बहुत बार होगा। ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, एंटार्क्टिक रीजन में आता है, या फिर टेम्परेट रीजन में जो है ब्लिजार्ड पाए जाते हैं। कहाँ पे होता है बताइए, ब्लिजार्ड, बर्फीला तूफान जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं जो है चलती हैं। आप स्पीड की अगर बात करें तो 200 माइल्स पर आवर, ठीक है, यानी 322 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड पे जो है बर्फीली हवाएं जो है वो चलती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हरिकेन, ठीक है, हरिकेन का 2 गुना, ठीक है, हरिकेन का 2 गुना जो है उतनी स्पीड पे ब्लिजार्ड की जो है हवाएं होती हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, एंटार्क्टिक रीजन में ये पाया जाता है। बिल्कुल ठीक, एंटार्क्टिक इज दी राइट आंसर। शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को तक शॉर्टेस्ट रूट कहाँ से होगा। देखिए, आप कहीं जाते हैं, आप रास्ता पूछते हैं, ये फलानी जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है, तो यहाँ पे वो रास्ता पूछ रहा है, मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को जाना है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। कैनेडा के माध्यम से जाइए, ओवरलैंड जाइए, ओवर द साउथ पोल जाइए। साउथ पोल तो कितना लंबा हो जाएगा, देखिए ये रशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो कितना दूर आप साउथ पोल से जाएंगे तो बहुत पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर है नॉर्थ पोल के ऊपर से जाइए। आंसर क्या है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो, किस टेम्परेचर पे जो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है जीरो हो जाता है, वो क्या टेम्परेचर होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहां पे अब आपको ये अरेंज करना है, ठीक है, अगस्त ऑफर, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सभी को जो है आपको अरेंज करना है। ओके, यूपीएससी में आया था तो अच्छी बात है ना, आपकी प्रिपरेशन हो रही है। इसमें देखिए, अगस्त ऑफर, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पहले कौन सा हुआ था, अगस्त ऑफर कब हुआ था 1940 में, पूना पैक्ट कब हुआ था 1932 में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुई थी आपकी, नवंबर दिसंबर के महीने में चली थी 1932 में, ये कब हुआ था, पूना पैक्ट ये हुआ था आपका सितंबर में, ये हुआ था नवंबर दिसंबर में। तो अब आपको इसको अरेंज करना है सिंपली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पहले क्या हुआ, आंसर विल बी 2, देन दिस विल बी 3, देन दिस विल बी 1, आंसर विल बी बी, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच आपको बताना है, कुमाऊं हिमालयाज, असम हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, या फिर नेपाल हिमालयाज, तो मैक्सिमम स्ट्रेच आपको बताना है कौन सा है, वो है नेपाल हिमालयाज जो है सबसे ज्यादा ईस्ट से वेस्ट साइड में इसका स्ट्रेच है। एक पर्सन जो है, मान लीजिए बस में बैठा है, बस अचानक से जब रुकती है तो एक झटका महसूस होता है, ये झटका जो है किस कारण से महसूस किया जाता है, किस कारण से महसूस किया जाता है बताइए, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का थर्ड लॉ, आइंस्टाइन लॉ ऑफ रिलेटिविटी, या इनमें से कोई भी नहीं, तो ये जर्क किस कारण से महसूस हुआ, ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन, एक और चीज यहां पे लिख देते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, आंसर है ए। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट इरिगेशन एरिया अंडर वेल, वेल कुएं का जो सिंचाई है वो आपको बताना है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा ये सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को और क्या बोलते हैं, शुगर बॉल, शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, शुगर बॉल ऑफ इंडिया, और
और कोई बॉल पता है? और कोई कटोरा, ठीक है। राइस बॉल, राइस बॉल कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये शुगर बॉल ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ज्यादातर अधिकतर जो है वेल और ट्यूबवेल जो होते हैं इससे इरिगेशन की जाती है। लगभग 1930 से जो है कुएं की खुदाई वहां पे हो रही है और इसी तरीके से जो है वहां पे सिंचाई की जाती है। और वो उसका सबसे ज्यादा श्रेय जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो भी आपके इरिगेशन जो है वेल के रूप में ही किए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान करनी है। हाँ, शुगर बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है, तो ये चीज ध्यान में करनी है। ओके, अच्छा, अब लार्जेस्ट वेल इरिगेशन तो है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कहाँ है? दूसरे नंबर में है राजस्थान, तीसरे में है मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, देन बिहार। हाँ जी, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक। आंध्र प्रदेश जो है उसको राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है, नॉट पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन रेलवे जो है स्पेशल यूनिट बनाया गया है ताकि इन हाउस रिसर्च को कंडक्ट करे। इसका क्या नाम है? इन हाउस रिसर्च, इसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ, इसका नाम दिया गया है मिनिस्टर ऑफ रेलवे सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा जो है इसको, जो 16-17 का रेलवे बजट था उसके अंदर दिया गया था। उसके बाद तो रेलवे बजट सी जो है कंबाइन कर दिया गया था, तो उसके अंतर्गत ये दिया गया था। हाँ, राइस बॉल ऑफ इंडिया क्या है? क्लियर नहीं हुआ? ओके, आंध्र प्रदेश जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु। लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है ये आपकी तमिलनाडु में है। लगभग 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं तमिलनाडु में, और 3 लाख से ज्यादा वर्कर्स हैं। आप सोच सकते हैं कितनी जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल की यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। हाँ जी, 44 क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है आपको रेड सर्कल में आपको यहां पे दिखाया गया है, लोकेशन एक बार रिवाइज हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिस तरह से ऑटोसोम्स होते हैं आपको बताना है कितने ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्रोमोसोम कितने होते हैं पहले तो ये बताइए, क्रोमोसोम कितने होते हैं आपके टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में होते हैं? 46, ठीक है। 46 किस तरह से होते हैं? कुछ मेल कुछ फीमेल, दोनों तरह से आपको जेनेटिकली ये दिए जाते हैं। क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम्स भी होते हैं। ओके, अब क्या होता है, 44 तो आपके टोटल जो इसमें से होते हैं, इसमें से 44, 22 आपको जो है मॉम से मिलते हैं, 22 आपको अपने पापा से मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो 44 का सेट है ये आपका ऑटोसोम्स है, और दो जो है आपके दूसरे होते हैं। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, 23 पेयर मत कर देना। 23 पेयर तब होता अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाता। आंसर है आपका 22 पेयर। 22 आपको अपनी मदर से मिलते हैं, 22 आपको डैड से मिलते हैं, टोटल 44 पेयर, ये 44 टोटल होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स 46 हैं, ठीक है। पेयर में बात की जाए तो 23 टोटल क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, ऑटोसोम्स कितने हैं? 22, 22, 22 पेयर इसमें होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, 23 नहीं है आंसर, प्लीज, 23 इसका आंसर नहीं है। ऑटोसोम्स की बात हो रही है, क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही। इको साउंडिंग जो है ये टेक्निक किसके लिए अप्लाई की जाती है? इको साउंड जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अब इतना नीचे जाके तो हर चीज चेक नहीं की जा सकती ना, तो इस इको साउंड की टेक्निक से इसको नापा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इको, देखते हैं कहाँ पे जाके इको रिटर्न होती है, कहाँ जाके इको टकराई और वहां से रिटर्न हुई, उतनी फिर जो डेथ है वो अज्यूम की जाती है। ऐसा नहीं होता कि पर किसी बंदे को वहां पे भेज दो और फिर चेक किया जाए कि कितनी गहराई है, ऐसा नहीं नापा जा सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और विच रिवर, मेजर रिवर सतलज इज अ पार्ट, किसका जो है सतलज जो है पार्ट है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इन जो सतलज है ये किसका पार्ट है? ये इंडस का पार्ट है। यहाँ पे आप इंडस को देख सकते हैं, इंडस से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास,
सतलज, ये सारी जो आप देख सकते हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुई। फिर गंगाज की आप आगे देख सकते हैं, जो आपका चंबल है, यमुना है, ठीक है, ये सारी जो आप देख सकते हैं कौन कौन सी किसका पार्ट है। यहाँ पे राजस्थान जो है यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तो ये आपको बतानी है किस कारण जो है ये कम वर्षा वहाँ पे होती है। ज़्यादा गर्मी है या वहाँ पे जो है पानी उपलब्ध नहीं होता, तो हवा जो है बहुत सूखी है, मॉनसून जो है यहाँ पे बहुत ढंग से विफल हो जाता है पहुँचने में, या फिर बैरियर्स की वजह से, अरावली हिल्स हैं वहाँ पे, तो इस वजह से। तो आंसर क्या है इसका, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।